अपन लेसन टू में है प्रिज्म या त्रिपार्श्व के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिज्म क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म देखिए इस तरह से एक पारदर्शी कांच का पदार्थ है, समझ रहा है, जिसका तीन सतह है ना आयताकार होता है और दो गो सतह त्रिभुजाकार होता है। टोटल इसके पांच सतह होते हैं। पांच सतहों से घिरा हुआ एक ठोस संरचना है त्रिपार्श्व या प्रिज्म, है ना। इसका कोई परिभाषा नहीं, अपने से परिभाषा बना सकते हैं कि तीन पार्श्व है ना। जब अगर हम कह सकते हैं कि दो ठो ऐसे पार्श्व में एक एंगल पर जब दो ठो आयताकार कांच झुक जाता है और तीसरा नीचे से जुड़ जाता है और इधर उधर से दोनों त्रिभुज से बंद हो जाता है तो ये बना हुआ ठोस संरचना क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिपार्श्व। तो इसको हमने चित्र में बना के बताया है, इस तरह से दिखाया है कि है ना ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, और नीचे का नाम रखा है ए बी सी, ए बी सी, ऐसे हमने दिखाने का कोशिश किया है। 3D फिगर है, समझ रहा है। तो आपने परिभाषा लिख दिया हूं मैं कि तीन पार्श्व पारदर्शी कांच तथा है ना दो त्रिभुजाकार, देखिए तीन पार्श्व वाला इधर इधर और इधर है ना, और दो ठो त्रिभुजाकार ई वाला एगो ई वाला, तो दो ठो त्रिभुजाकार कांच के सतह आपस में जुड़कर प्रिज्म या त्रिपार्श्व की रचना करते हैं। अब इसमें किसको क्या कहते हैं वो ध्यान से समझ लो भाई, है ना। तो जिस ऐसे रखने के बाद अगर हम ऐसे रखते हैं तो इधर से प्रकाश इंटर करता इधर निकलेगा, या उधर से प्रकाश करेगा इंटर तो इधर निकलेगा। तो जिस जगह से प्रकाश इंटर कर रहा है तो प्रवर्तक सतह अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह कहेंगे लौटने वाला को प्रवर्तक कहते हैं, इंटर कर रहा था अपवर्तक कहेंगे। तो ये हो गया, आपने जब इसका नाम ऐसे रखा है ए डैश बी डैश यहाँ पर देख रहे हैं ना इधर, ये इस तरह से इसका नाम हो गया इधर वाला सतह का। तो इसका लिखा हो ए बी बी डैश ए डैश, ए बी बी डैश ए डैश, तो यहाँ से शुरू किया गया है ए बी बी डैश ए डैश, समझ रहा है। और इधर का नाम है, इधर का नाम देखिए कैसे रखे, ए सी सी डैश ए डैश, ए सी सी डैश ए डैश, हो गया कि नहीं हो गया। और देखो अपवर्तक कोर ए डैश को कहते हैं, अपवर्तक कोर ई वाला है जो दिख रहा है वाला, इसको कहते हैं अपवर्तक कोर। तो ए ए डैश पीछे जो है उसको आगे करके दिखाते हैं, ए ए डैश ये अपवर्तक कोर है, समझ रहा है। और एंगल जो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, नीचे के जो कोण ए मान रहे हैं यहाँ पर ये 60 डिग्री का, ऊपर भी 60 डिग्री है, लेकिन ऐसे अगर रख रहे हैं तो फिर इसको कह दे या इसको कहे क्या, ऊपर भी कह सकते हैं, ये 60 डिग्री का होता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का होता है। प्रिज्म का आधार, चूंकि प्रिज्म को जब भी रखा जाता है तो ऐसे ही रखा जाता है, समझ रहा है। तो इसलिए आधार जो आगे मुंह दिख रहा है आपको बी सी सी डैश बी डैश, यही आधार है इसका, हाँ बी सी सी डैश बी डैश आधार है। प्रिज्म का मुख्य काट, तो मुख्य काट ए बी सी को कहेंगे, जो आपको दिख रहा है ना ए बी सी इसको कहते हैं। अब प्रिज्म कुल सतह 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो हमने समझा दिया इसको अच्छा से। अब हम प्रिज्म के आपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण समझेंगे और उसके संबंध को समझेंगे। तो हम मान लिए कि कोई प्रिज्म रखे हैं ऐसे, तो इसका त्रिभुज वाला रचना में दिखेगा, तो त्रिभुज का रचना हम दिखाते हुए इधर से जब कोई प्रकाश मारते हैं कोई है ना, तो हवा से ही कांच है तो कांच सघन है, विरल से सघन में जाएगा और फिर इधर से निकलेगा तो सघन से विरल में जाएगा। तो एक बार अगर ऐसे हम मारेंगे तो जाने के बाद फिर वो आधार की ओर मुड़ते हुए निकलेगा, समझ रहा है। क्यों देखो समझो, दो जगह होगा, एक यहाँ अपवर्तक सतह है और एक यहाँ भी अपवर्तक सतह है। तो जब यहाँ से हम लाइट इसमें मारे हैं पी क्यू है ना, तो यहाँ पर एक क्यू प्राप्तित हो रहा है और यहाँ पर जैसे गया तो एक नॉर्मल बना मैंने अभिलंब बना। तो अभिलंब में हम लोग पढ़े थे कि अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जा करके मुड़ के सीधा ऐसे चला गया। अब फिर जब निकलते समय इस सघन था और हवा विरल था, तो विरल में जब गया तो दोबारा ये अभिलंब ऐसे, इसका अभिलंब है तो अभिलंब से अपना दूर भागते हुए ऐसे निकल गया, समझ रहा है, ऐसे तो आरएस हो गया। तो अब इसको हम आपतित किरण कहेंगे और इसको हम अपवर्तित अंदर है और इसको निर्गत किरण कहेंगे, समझ रहा है। और सुनो, यहाँ ये अभिलंब हो गया एम ओ और यहाँ एन ओ अभिलंब हो गया है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग बताए थे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के आपतन कोण कहते हैं, और इधर गया तो अपवर्तन कोण कहते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रथम अपवर्तन कोण हो गया, आई हो गया आपतन कोण। अब यहाँ पर दोबारा ये इंटर करके बाहर आया तो यहाँ भी एगो अपवर्तन कोण आते हुआ दूसरा, और यहाँ पर जो बाहर निकला वो निर्गत कोण हो गया,
है ना, इसी को फाइनली भी हम अपवर्तनपूर्ण भी कह सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, यह जो लाइन है पी क्यू, यह मान लिया कि आगे तक जाता तो यू तक इसको बढ़ा दिए, और यह जो है यह लाइन जो एस आर है उसको पीछे तक ले गए तो यह टी पर जाके कट गया, तो यू टी एस या आर यहाँ पर एक एंगल बन रही है, यही एंगल को हम प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में इसको ऐसे आना था लेकिन इसने विचलित होकर के ऐसे बना लिया, तो कितना यह विचलित हुआ किरण उसका कोण यही है जो छोटा डेल्टा से हम इसको दिखा रहे हैं, समझ में रहा है। तो यह है प्रिज्म का विचलन कोण। तो हमने अभी सब बात आपको बता दिया कि किसको कौन कौन कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। अब हम इनके बारे में एक बात और जानना चाहते हैं कि आपस में इनका आपतन कोण, अपवर्तन कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण का संबंध क्या होता है। तो हम क्या करेंगे कि समझेंगे AQOR एक चतुर्भुज है, ठीक है, आप देख रहे हैं कोण, इसमें चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोण ए जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण ओ कोण आर बराबर 360। अब यहाँ पर चूंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है तो ये पूरा एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों को हमने 90-90 बैठा दिया है, और ए प्लस ओ बराबर इधर घट गया तो 180 डिग्री इसको पहला मान लिए है। अब त्रिभुज हम चलेंगे ओ क्यू आर में, इसमें आएंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों के 180 बराबर है इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया है, थोड़ा इधर आगे दिखाओ भैया। तो जब बराबर किया तो ओ कट गया तो ए बराबर हमें आर वन प्लस आर टू इसका तीसरा मान लिए लग रहा है। अब यूटीएस में थोड़ा सा आप फिगर दिखाइएगा, यूटीएस तो यूटीएस में हमको ठीक इस तरह का रचना बन रहा है। यूटीएस यहाँ ये छोटा डेल्टा है तो हम पढ़े हैं कि बहिष्कोण अपने अभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इन कोण के योग के बराबर ये होगा, तो इसीलिए हमने वहाँ पर यूटीएस में लिखा है टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू लिखा है, यहाँ टी आर क्यू लिखा है। अब यूटीएस को हमने छोटा डेल्टा से दिखाया है, वहाँ फिगर भी दिखाना है, और चूंकि आपको बताया गया है कि ये लाइन ऐसे और ऐसे क्रॉस कर रहा है, देख रहे हैं ना, तो ये आई है तो ये पूरा भी आई है, लेकिन इसमें इतना जो है देखिए ध्यान से, ये आई है तो शीर्षा बिल्कुल से आई होगा लेकिन इसमें से कुछ भाग आर वन है कि नहीं है, तो पूरा इसको जब निकालना होगा तो आई में से आर वन घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो ये वाला एंगल जब निकालना होगा तो आई माइनस आर वन करेंगे, समझ रहा है, इसके अंदर वाला ई वाला एंगल वा, और इसी तरह से यही एंगल निकालेंगे तो लिखेंगे आई यहाँ ई माइनस, चूंकि यहाँ ई है ना, ये पूरा ई है तो ई में से आर टू घटा देंगे तो ई वाला आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जब लिखा है तो ई माइनस आर टू लिखा है, समझ रहा है, तो वो चीज वहां मैंने लिख दिया है आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। अब उसको जब हटाए तो छोटा डेल्टा बराबर स्मॉल डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस आर वन आर टू, माइनस कॉमन निकाला तो आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू बराबर कोण ए है, तो वहां से कोण ए बैठा दिए तो कोण ए को ए भी लिख दे, इसको बाहर से इधर प्लस बना दिए, ए बराबर ए प्लस छोटा डेल्टा प्लस इक्वल टू आई प्लस ई, मतलब यहाँ हुआ कि ये जो है से प्रिज्म का कोण है, ये क्या है और डेल्टा जो है से विचलन का कोण है, तो प्रिज्म का कोण और विचलन कोण दोनों का योग बराबर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के योग के बराबर होता है, मतलब स्पष्ट हो गया कि ये जो है ना प्रिज्म का कोण, ये इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, और ये हो गया विचलन कोण, इन दोनों का योग जो है वो ई कोण और ई कोण दोनों के योग के बराबर होता है, यह एक संबंध आ गया, समझ रहा है है। तो इस कड़ी में हम लोगों ने प्रिज्म के आपतन कोण अपवर्तन, पहले प्रिज्म समझा फिर इसके बाद प्रिज्म के आपतन कोण अपवर्तन कोण प्रिज्म का कोण ये एंगल ये हो गया है ना, अब विचलन कोण आदि को हमने समझा है। अगर थोड़ा लग रहा हो कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देखना है, समझना है कि कौन सा क्या है, ठीक है।